नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज, आप देख रहे हैं जीएन भारत। बाबूलाल मरांडी के दिल्ली दौरे को लेकर राजनीति पंडितों की निगाहें दिल्ली की ओर लग गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर लग रहे तोहरे लाभ के आरोपों से झारखंड की सत्ता में उथल पुथल राजनीति के कयास लगाए जा रहे हैं। झारखंड में जारी सियासी हलचल के बीच बाबूलाल मरांडी दिल्ली तलब। प्रदेश की राजनीतिक हालात पर अमित शाह और जेपी नड्डा से होगी चर्चा। क्या झारखंड में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं तलाश रही है बीजेपी? क्या भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरी गठबंधन सरकार खतरे में है? बीजेपी हाई कमान से बाबूलाल मरांडी की मुलाकात के मायने क्या हैं? झारखंड में उठी सियासी तबीज दिल्ली में भी महसूस की जा रही है। लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश में लगी सियासी आग में सत्ता की रोटी सेकने की फिराक में है। इसकी थोड़ी सी तस्दीक होती भी दिख रही है जब बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को दिल्ली तलब किया गया है। जानकारी मिली है कि बाबूलाल मरांडी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में झारखंड की मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। सियासी पंडितों की भाषा में इसे सत्ता की संभावनाएं तलाशना कहते हैं। ये बात जब जाहिर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी कैबिनेट मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की वजह से झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार वैपुट पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके छोटे भाई बसंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।